हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नए जगह पे आपको घुमाने ले जाऊंगी। फिलहाल घर से निकले हैं। डिटेल्स में बता दूंगी, वीडियो पे बरकरार रहिए, देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आज आपको ले जाऊंगी, वीडियो पे बने रहिए। फिलहाल बैठ चुके हैं गाड़ी पे। देखो बेबी, की खाचो बाबू, की खाचो सोना, की का है मम्मा। हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। थैंक यू। ये तो बाबू पूरा फुल मूड में आ गई। बाबू भी बोल रही है हाँ, आंटी को देखती है तो तब सब सही होता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग बाबू? बाबा बाबा कहाँ? बाबू अब आंटी के पास आ गए। अब अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पर जाएंगे। पहचानते हैं कोई लोग, कुछ लोग पहचानते हैं कुछ लोग नहीं। और जो सब कोलकाता हावड़ा के रहने वाले हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह आता है। देखिए अभी जा रहे हैं, देखो पुचका का ठेला लगा हुआ है यहाँ पर। मेरी छोटी बहन आई है, वो भी पहले तो आपको दिखा चुके हैं। ये इसका एंट्री गेट है और हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ दो लोग में हम लोग बेबी को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग तीन लोग आए हैं। सब घाट है और ये वाला नज़ारा देखिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ ये जो सेकंड ब्रिज है ना, हाँ हुगली का जो सेकंड ब्रिज है उसके ठीक नीचे है। और इस इवनिंग टाइम हो चुका है, हम लोग अभी आए हैं, लगभग 4:30 PM हुआ है। और हम लोग सिर्फ इसको खिला ये प्ले करेगी, थोड़ा बहुत बाहर घूमते हैं हम लोग। ऐसे भी पहले भी बहुत ज़्यादा घूमते थे। इसको देखिए, बहुत लोग यहाँ रिलैक्स के लिए आते हैं, बैठते हैं। और इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरह दे दूंगी। हाँ, यही वाला घूमने का जगह है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी बेबी देखो वहाँ दौड़ रही है, उसके आंटी के हाथ पकड़ के दौड़ रही है वहाँ पर। फोटोशूट के लिए आने चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा जगह है ये। देखिए बसे गेलो क्या ना? देखी बाबू तू की गो बाबन, पाखी कोई कोई पाखी कोई पाखी कोई देखी ना बाबा बाबा आनी चलो चलो हाँ डैडी कोड़े।
हर वीडियो में आप देखे हैं कि वो आनी आनी करती है, मतलब वो कहीं भी जाती है उसके आने को बहुत मिस करती है, मतलब आनी को लेकर ही आना पड़ता है, आनी आनी करती रहती है। और ये वाला यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा दुकान है, घूमने का जगह है, सब घूमते हैं और बहुत सुंदर से बहुत अट्रैक्टिव है ये पार्क और बहुत ही अच्छा लगे, रिफ्रेशमेंट फीलिंग होगा। यहाँ पर ये खाने का छोटा छोटा दुकान वगैरह लगता है, चिप्स वगैरह यहाँ पर मिलता है, चाय चिप्स मिलता है यहाँ पर, कुछ है चाय यहाँ पर, चाय मिलता है, पानी यहाँ भी कुछ, यहाँ पर फोटोशूट के लिए कुछ लोग घूम रहे हैं और यहाँ की कटिंग लगा हुआ है। ये चिप्स का सब दुकान है, बहुत ही शांत एरिया है, बहुत लोग पहले बहुत कम लोग यहाँ आते थे, फिलहाल बहुत बहुत लोग अभी आते जाते रहते हैं। दोस्तों ये जो मैंने मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ये इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप घाट बोलते हैं हम लोग, इसे प्रिंसेप घाट के नाम से जानते हैं। हर कोई जान रहा है ये एशियन सोसाइटी का सेक्रेटरी, मतलब 1841 में इसको बनाया गया था, जब जेम्स प्रिंसेप खुद जब मतलब एशियन सोसाइटी का जब सेक्रेटरी था, मतलब इंचार्ज था, तभी ये बनाया गया था। इसको उस टाइम 1841 में कुल 12,000 रुपये फंड देके इसको बनाया गया था, क्योंकि यहीं से जो बगल में गंगा नदी है वो गंगा नदी के साथ गंगा नदी है जिसको हम लोग हुगली रिवर के हिसाब से बोलते हैं, हुगली रिवर बोलते हैं इसको, तो इसी को इसी की रूट से सुंदरबन होके आपका जो हम लोग का बंगोपसागर है उसी का साथ जोड़ने के लिए एक स्थिति के हिसाब से इसको बनाया गया था। इसके ऊपर ही बिल्कुल हम लोग का हुगली ब्रिज जिसको विद्यासागर सेतु कहा जाता है वही ऊपर में है, बिल्कुल इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो फोटो वगैरह में देखते हैं रस्सी जैसा नज़र आता है, और रस्सी नहीं वो लोहे का काफ़ी मोटा मोटा रॉड है और टिम्बर है, बिल्कुल देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है। आप लोग इसलिए ये पूरा ओपन पार्क है और यहाँ कोई टिकट वगैरह नहीं ले जाता है, ये पहले खुला हुआ था 2012 में, तो बाद 2012 में इसको मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो था इसको प्रोटेक्शन के लिए मॉन्यूमेंट के हिसाब से इसको प्रोटेक्शन किए और इसका चारों ओर जैसे ऐसे दरवाजा पर गेट लगा दिए। वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं या फिर सीधा प्रिंसेप घाट के भी कोई गाड़ी वगैरह ओला से उबेर या पर्सनल गाड़ी से लेके सब कुछ लेकर आ सकते हैं, बगल में पार्किंग की भी जगह है। दूसरा जो है अगर आप हावड़ा की तरफ से आना चाह रहे तो सीधा अपने गाड़ी से या बस से कोई भी बस पकड़िए आप, धर्मतला बगल में धर्मतला उतर जाइए, वहीं से थोड़ा सा बस 3 से 4 मिनट लगता है पैंतल आने में, वहाँ के भी वहाँ से आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस जगह में हमको बाइक टू ट्रेन आना है तो फिर यहाँ से आपको हावड़ा स्टेशन से कलकत्ता स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, या फिर आपका जो हम लोग का बिहला साइड का जो टूटे माजरहाट से लेकर उसे चक्र रेल बोलते हैं कलकत्ता से चक्र रेल, वही रेल से भी आप पकड़ के भी लोकल ट्रेन पकड़ के भी आप सीधा प्रिंसेप घाट आ सकते हैं, या फिर साउथ के रूट में जो भी ट्रेन चलता है वही ट्रेन आप पकड़ के आप प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन है उसके सामने देख रहे आपको दिखेगा ये वाला बोर्ड है अंदर में देखिए प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन, वहाँ उतर सकते हैं, वहाँ उतरने के बाद आप सीधे बस उसके बगल में है वहीं से आ सकते हैं। उसका प्रिंसेप घाट जो स्टेशन है उसी का एक साइड में है आपका ये जो मोन्यूमेंट आपको जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है मोन्यूमेंट, और दूसरे साइड में है गंगा,
जिसको हम लोग हुली रिवर बोलते हैं। यहाँ आप चाहे तो अहोरा स्टेशन वगैरह से अगर आना चाहें तो यहाँ से आप बोट में भी आ सकते हैं, जो हम लोग स्टीमर कहते हैं, स्टीमर या बोट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है, वेस्ट गवर्नमेंट का तरफ से ये हुआ था, तो उसी के थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं। बस हावड़ा स्टेशन से यहाँ अगर आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा से 6-8 या 10 रुपये से ज़्यादा भाड़ा नहीं है, वैसे भी आप लोग चाहे तो आ सकते हैं। हम भी आए हैं अपने फैमिली को लेकर घूमने के लिए हावड़ा से। ये देखो वो मेरे बच्ची, मेरे वाइफ और ये मेरे साली, तो शायद घूमने के लिए आए हैं। हाँ देख रहे, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है, पर यहीं से अगर आप लोग चाहें तो यहाँ दूर दूर से बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए यहाँ पहले से ज़्यादा इसको सजाया गया है काफ़ी कोशिश से। आप लोग देख के पहचान पाएंगे, देखिए बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। हाथ यहाँ से आप पूरा ब्रिज का लुक उठा सकते हैं यहाँ से, देखिए एक तरफ से आपको दिखा रहे हैं पूरा। देखो ये पार्क जो है 24 आवर्स खुला हुआ रहता है, कभी भी आप किसी अपना फैमिली के लोगों को लेकर आ सकते हैं। जनरली रात होने के साथ साथ यहाँ लोग कम हो जाते हैं, वो बात अलग है, पर सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ शाम के टाइम ही होता है। यहाँ आप 41 में ये देखो दोनों नाच रही है। अरे 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 अरे, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इंजॉयबल है कि यहाँ की, यहाँ हमेशा भीड़ लगा हुआ रहता है, इतनी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है। यहाँ मेरे फैमिली भी आके इंजॉय कर रहे हैं, हर कोई जनरली इंजॉय करने के लिए आते हैं। देखिए आपको नज़र आया होगा, देखिए एक ट्रेन आया हुआ है प्रिंस एडवर्ड स्टेशन पर, जो अंदर से जा रहा है अभी लोकल ट्रेन, उस ट्रेन से भी आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। ये बैठने का जगह है, थोड़ा गार्डन जैसा बनाया है, सजाया गया इसको, इसका स्टील का प्लेस है, इसलिए थोड़ा सजा उजा के थोड़ा खूबसूरत बनाया गया है कि लोग यहाँ आए घूमने के लिए और यहाँ अच्छा लगे सबको, इसी का वजह से। मम्मा देखो, मम्मा की करछ गो, ओ मम्मा ओ नामी दो ओखने, मम्मा मम्मा देखो 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 देखो, एसो एसो एसो, कम कम कम, बाबू एसो वेरी गुड मामा वेरी गुड, धरो बाबूटे के धरो 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 बाबूटे के, बाबू इधर उधर इतना बड़ा जगह पाके इधर उधर दौड़ मार रही है। पलिशो 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 पलिशो।
कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब जगह पे चल रही है वो, परेशान किया। देखो देखो देखो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, मतलब उसको पता तो है कि उसके लिए आए हैं, तो इसलिए वो खुल के इंजॉय कर रही है बस। उसको शैडो जो देख रही है ना, तो उसको उसको पकड़ रही है, वो शैडो को पकड़ रही है। मम्मा को की होइछे रे मम्मा, हां छोने छुटे छो, हैं छेड़ जाओ छेड़ जाओ, हां छेड़ जाओ, हां दौड़ मार मार दौड़ छेड़। बाबा ने अनेक छुटे छुटे कोई नहीं छुने, तो खन रेस नहीं तो आई है, তারপর আমরা আবার খেলবো, আবার রেস, আবার না আবার খেলবো। দেখো मतलब हाथ छुड़ा ली वो और फिर वो थोड़ी जाबे ना, वो थोड़ी जाबे तो कहाँ जा रहे हो वो? उसका मतलब अलग ही दुनिया में है वो। कहाँ से कहाँ चली आई वो? कहाँ छूटे बैठो? अब तो हुआ, शादो को पकड़ने गई वो। देखो कोई बच्चा चिल्ला रहा है उधर, वो तो देख रहे हैं कि कौन चिल्ला रहा है। लेकर आ गई बैलून। कोदाई चिलो बाबू की को बैलून, बुब्बारे बुब्बारे कहाँ है बाबन? बाबू बुब्बारे लेके आ गई, देखो बाबू बुब्बारे दाओ, बुब्बारे दाओ, बुब्बारे दाओ। ए तो কি গো বাবু ভালো হয়েছে, তুমি ছবি তুলছো? গুপারে দাও আমার গুপারে।
गुब्बारे दा, थैंक यू बाबा। बाबू छवि तोला होबे ना कि एखाने कितना एक्साइटेड है गुब्बारे लेके। एटा कार गो बाबू, एटा कार, हम कार गो मम्मा, एटा कार तोमार, के दिए छे बाहर थे के नहीं जो तुम ही के दिए छे मम्मा, के दिए छे गो बाबू गुब्बारे, के दिए छे मम्मा गुब्बारे कोथाई छिलो गो? हाँ वही तो, कोथाई छिलो? बहुत एंजॉय कर रही है, जा अब क्या करेगी देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं, अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या करेगी। कोते बाबू गुब्बारे कोई, बाबू अरे कोई गुब्बारे कोई, मम्मा की होलो फाटी दीछो ओके दुकान देखछी ए अच्छा वही दुकान था दीते वो वहाँ पर दुकान है ना। गुब्बारे का क्या कर रही है, हमसे आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं, वो क्या चाह रही है अल्टीमेटली, तो कहाँ जा रही है देखो। जब उसका गुब्बारे फट गया तो फिर वो बलून लाने खुद जा रही है, देखो देखो कहाँ जा रही है, खुद से देखो, सब खुद से कर रही है, देखो उसको वो वहाँ चली गई, देखो क्या कर रही है, देखो क्या करेगी वो, वही 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 रिएक्शन देखना है मुझे। बाबू की होइ छे बाबू, ओ बाबू की नी बे, की गो मम्मा की ने बे, मम्मा किने बे, किने बे बाबू, बोल दो लाठी टा दिए दाओ, बोलो तुम्ही नहीं नाओ, इटा दिए दाओ, ओखाने दिए दाओ, ओखाने दिए दाओ, बोलो लाठी फेटे गए थे तुम्ही नहीं नाओ, लाठी लाठी दिए दाओ, तुम्हें बेलून दे मम्मा दिए दाओ, मम्मा देखो वो मतलब डांट रही है वो गुब्बारे वाले को, ये देखो ले ली वो, বাবা ওপরে রাখো ওপরে এরকম করে ধরো এরকম মামা ওপরে করে রাখো নাহলে ফেটে যাবে ফেটে যাবে আবার ও পিছনে বেঁধে দাও তো আ বাবা তুই প্যান্ট মিস করে কি রিমো নিকাললি ও নিকাললি আরে আস্তে 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 করে যাবে গয়া 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 आवा दुकाने ओ देखो दुकान दिखा रही है दुकान इधर है, अरे बाबा रे ये क्या हो रही, देखो दिखा रही है, हाय रे बाबा, मतलब पापा तो बलून खरीद खरीद के मतलब सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अरे बाबा ये देखो हमारा, ना 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 दे आवा आवा नीचे नहीं बा उसको उसको ऐसे ही मजा आ रहा है, उसको ऐसे ही मजा आ रहा है, उसको एक काम करो ना वो जो कॉक है वही खरीद के दे दो, वो वही चलाएगी। अदी और वो वैसे करके चलाएगी, देखो मतलब रोना भी उसकी मतलब जानबूझकर के रो रही है वो, ताकि उसको दे दे। ओ
उसके लिए अब मतलब वो बलून को ऐसे करके चला रही थी, इसलिए हम लोग ये उसको एक कॉक खरीद के दिए, पर वो ये नहीं लेगी, वो बलून ही लेगी और बलून को ऐसे ही लेके जाएगी। देखो वो कैंडी देख रही है, वो कैंडी देख रही है, वो कैंडी देख के ना सोच रही है कुछ कि क्या चीज़ है। वो कैंडी देख रही है, बाबू कैंडी देख रही हो, दे कैंडी दे, बोल रही है दे उसको कैंडी, वहाँ पानी से गुब्बारे नीने में तीन बार बलून खरीद लिए। हम जब भी आते हैं यहीं से तो चाय पीते हैं ना, चाय पियेंगे फिलहाल यहाँ पे चाय। हम लोग मतलब इससे पहले एक बार आए थे ना, तो यहीं पे ही पिए थे, तब लॉकडाउन के टाइम था, नहीं लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था लगभग, पर मतलब इतना भी अच्छे से ख़त्म नहीं होता। ये देखो माँ बेटी का थोड़ा प्यार, उली 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 उली। अब हम आप सबको दिखाएंगे कि पिनसिप घाट रेलवे स्टेशन कहाँ है और कितना बड़ा है, उसके बाद आपको दिखाएंगे गंगा घाट जहाँ के हैं। आप लोग देखते रहिए, ट्रेन एक रुका हुआ वो दिखा रहे हैं आपको, देखते रहिए। देख लीजिए यह पिनसिप घाट रेलवे स्टेशन है। इस ट्रेन में इस रूट में सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन में, और यहाँ सिर्फ लोकल ट्रेन ही चलता है, इसके अलावा कोई एक्सप्रेस वगैरह नहीं जाते हैं। हाफ एन आवर के इंटरवल में एक ट्रेन है ऑलमोस्ट। अब जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। पिनसिप घाट के साइड में गंगा के बगल में और स्टेशन के साइड में एक टॉयलेट का भी सुविधा है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट है टॉयलेट गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये काफ़ी पार्क जैसा बना हुआ है पूरा गंगा घाट में, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया था, तो ये पूरा गंगा घाट के हिस्सा है, और ये पूरा काफ़ी दूर तक ऑलमोस्ट आपका हावड़ा स्टेशन के बगल तक इसका काम किया गया है, और गंगा के खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सब किया गया था। तो ये इसका चारों तरफ बैठने की जगह और पार्क वगैरह है, जहाँ सब लोग बैठ के इंजॉय भी ले सकते हैं। गंगा के नीचे साइड में पहले नीचे उतरने देते थे, पर अभी पानी बरसात की वजह से पानी काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से नीचे जाने नहीं दे रहे, तो थोड़ा कीचड़ उचड़ है, अगर कोई जाएंगे तो स्लिपले हो जाएगा, वो अभी साफ नहीं हुआ है, वो ठीक से सूखा भी नहीं है, इसका वजह से वो बंद है अभी, अब गंगा नीचे नहीं उतर सकते। इस साइड में टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट उतना अच्छा नहीं है, पानी वगैरह है लेकिन वो एकदम ही अच्छा नहीं है, तो बहुत इमरजेंसी पर्पस में अगर आप आने चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये यहाँ टॉयलेट का फैसिलिटी है पर टॉयलेट साफ नहीं है। इसका जो इस साइट है, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि इन लोगों को पता चल जाएगा ठीक है,
तो ये जो साइट है, ये जो साइट है ना, ये सब कपल के लिए है। यहाँ पर बैठने का जगह है और यहाँ तो बहुत रात तक तो खुला रहता है, तो फिर घर जाते ही नहीं, इन लोग यहाँ पर ही रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही रह जाते हैं, घर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खाने का है, टिफिन करने का है, और यहाँ बैठने का तो बड़े बड़े जगह है। तो इस एरिया कपल के लिए है, इस साइड का, ये जो रिवर साइड है, रिवर साइड का पास का एरिया। ए देखो बाबू, फिलहाल हम लोग तो वॉशरूम से आ गए, तो जा रहे हैं बाबू, मम्मी के पास आएगी, रो रही थी तो ले ली उसको, फिर हम लोग जा रहे हैं, अभी चले जाएंगे थोड़ा और, एक बार चाय पियेंगे सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलो आप लोग, तो अगर हाँ आना है आप लोगों को तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है, मतलब ऐसे घूमने के लिए, और बच्चा खेल भी सकता है, ये सब बस अच्छा है। और क्या, ये देखो कुछ बोल रही है अपी, तो जीजू नहीं सुन रहे इस वजह से वो कुछ मतलब कर रही है कि अरे जाओ चलो चलो। ये देखो चांद, वाओ कितना सुंदर है, आटा कर रही है बलून को, टाटा कर रही है बलून को, गुब्बारे वाले को टाटा कर रही है वो जगह थोड़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से अभी फ़िलहाल 2K सब्सक्राइबर है, तो ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, वाह देखो, वो देखो ठीक उठा रही है, और हम लोग घूम लिए, बस बाहर खड़े हुए हैं इसका गेट का, अब घर जाएंगे, बेबी सो चुकी है। देखो जब एंट्री करेंगे तो ऐसा वेलकम टू फंक्शन हॉल लिखा हुआ कुछ। अभी हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं फिलहाल, तो जा रहे हैं, बेबी सो चुकी है, वो सोच बहुत टायर्ड हो चुकी है, क्योंकि बहुत बहुत दौड़ी, बहुत दौड़ी, बहुत मतलब वो चल चल के, मतलब क्या बोले, हम लोगों के पैर में भी दर्द नहीं हुआ उसका जितना हुआ, क्योंकि वो ज्यादा मतलब दौड़ी, और बस दो मिनट से दाड़ को दीजिए। चलिए ठीक है, घर में आ चुके हैं, पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ अगर आप मुझे नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारा ऐसा ब्लॉग पाने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।